हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट चूज अ पर्टिकुलर ऑप्शन। फ्रॉग जो है वो एग्जिबिट करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये कैसे पता चलता है? आप इसको देख सकते हैं, मेल फ्रॉग्स जो होते हैं ना, उनको आप कैसे देख सकते हैं? मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। वोकल सैक्स। और क्या मिलता है इनके अंदर? इनके अंदर कॉपुलेटरी पैड भी मिलते हैं। कॉपुलेटरी पैड्स ऑन फर्स्ट डिजिट। ये तो हो गई मेल फ्रॉग की बात। ठीक है, फीमेल फ्रॉग को कैसे देखेंगे? उनके अंदर ये एब्सेंट देखे जाते हैं। तो फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम। फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम। और ये एबसेंट होता है किसमें? फीमेल फ्रॉग में ही एबसेंट होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, मेल फ्रॉग्स हैव कॉपुलेटरी पैड ऑन द फोर्थ डिजिट। तो फोर्थ डिजिट पर नहीं है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम पर है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। मेल फ्रॉग्स हैव क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, फीमेल फ्रॉग्स हैव कॉपुलेटरी पैड्स ऑन द फोर्थ डिजिट ऑफ द फोर लिम, ये इनकरेक्ट है, इनमें ये एबसेंट होता है। फीमेल फ्रॉग में ये एबसेंट होता है। ए एंड बी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है यहाँ पर वो है ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 81 पर गिवन है। थैंक यू।